the reason why 9 is so effective is because it is highly, highly professional. It is interested only and only in its task and not interested in glory or uniform or beret or this or that. It is not interested in all of those things. Those are outside things. ठीक है, आप मेरे को आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में भेज दोगे, मैं वही काम करके आ जाऊंगा जो मैं यूनिफॉर्म पहन के करूंगा. ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्सेस यूनिट है. हम लोग ड्रामा नहीं करते, हम कहीं टीवी पिक्चर पे नहीं आते, हम कहीं किसी और को बताने के उसमें नहीं रहते कि हम कौन है क्या है. हमें किसी बाहर की दुनिया से इंटरेस्ट नहीं है. आर इंटायर फोकस इज ऑन आर जॉब. इट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म. हमें पता है कि बाहर बाहर की दुनिया में ये है ना, उरी पिक्चर के बाद बड़ा बहुत तालियां बजी हैं, सडनली एवरीबॉडी वांट्स ओ स्पेशल फोर्सेस, ये वो दिस दैट. भाई ये तो अभी हुआ है, इतने सालों से बहुत कुछ चल रहा था. एंड दैट इज द प्रोफेशनलिज्म ऑफ 9, दैट नोबडी हैज एवर नोन आउटसाइड कि व्हाट द हेल डज दिस बटालियन डू. करेक्ट, राइट, इज लाइक दैट. ठीक है, सो 9 बेसिक थिंग इज सिंप्लिसिटी, वेरी वेरी सिंपल ग्राउंड थिंग्स. ठीक है, पहली बात तो हम बंदे को जो जब बंदा हमारे पास आता है, वी सिलेक्ट दैट गाय ऑन एंट्री. उसको ऐसा भूत बनाते हैं, ऐसा भूत बनाते हैं कि उसकी सच्चाई सामने आती है और उस सच्चाई को हम देखते हैं कि ये सच्चाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए. तो एट सिलेक्शन वी चूज पीपल लाइक दैट. ठीक है, फर्स्ट थिंग. देयर इज सेकंड थिंग इज वंस द पर्सन इज इन सिंपल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू वॉक इन टू When I went for probation to 9 para SF, गेट के अंदर घुसा, मेरे को दो चार गाली वाली पड़ी, जो कुछ भी होना था हुआ, है ना, वहीं से ही रगड़ा शुरू हो गया. स्ट्रेट अवे टू दी कोर्ट, माई फर्स्ट विजिट वॉज टू दी एडजुरेंट, सेकेंड विजिट वॉज टू द आर्मरी ऑफ द बटालियन, राइट. एंड आई वॉज हैंडेड अ लाइव AK-47, लाइव कोर्ट खोल दिया था, बोला साहब अपना हथियार लो, सिलेक्ट योर वेपन एंड टेक इट, इट्स योर्स. तो मैं गया अंदर, मैंने एक वो बाकी लोग वो फोल्डिंग बट वाला एके ले रहे थे कि ये बीपीटी भागते टाइम इजी होगा. आई टुक द वुडन स्टॉक एके. ठीक है, फिक्स बट एके, फिक्स बट लिया मैंने, वो रोमेनिया एके, रोमेनिया बोलते, वो टक करके चढ़ती अच्छी थी वो. एंड आई पिक्ड अप दैट वेपन एंड सिक्स मंथ्स दैट वेपन वॉज विद मी, इट डिड नॉट गो बैक इन टू द आर्मरी. I used to, when I was shitting, it was in my hand. When I was sleeping, it was tied to me. When I was eating, it was on my lap. When I was rolling, it was between my knees. ठीक है, that AK-47 never left touching my body for 6 months. Oh-ho. 6 महीने वो मेरे body के साथ contact में था. Amazing. Right? And that is a thing which came into combat. It became a piece of my body. It was like pointing a hand, pointing a finger. जहां पॉइंट करूंगा गोली वहीं लगेगी. ठीक है, सो दिस इज अ ड्रिल, इट्स अ सिंपल ड्रिल. ठीक है, बाकी लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे, 9 में चलता है. ठीक है दोस्तों, 9 पैरासेफ के जवान और ऑफिसर हमेशा चुपचाप सीक्रेटिव तरीके से रहते हैं और अपने ऑपरेशंस करते रहते हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है. ये बटालियन जुलाई 1966 में रेज हुई थी. पहले इस बटालियन का नाम 9 पैरा कमांडो यूनिट था, पर बाद में ये नाम चेंज हो गया और 9 पैरा SF रख दिया गया. कहते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद.